दरमियान रिजवान भाई हैं और पाकिस्तान में जो अपना टिकटॉक पे पाबंदी लग गई है, तो रिजवान माशाल्लाह टिकटॉकर है, तो इस बारे में रिजवान क्या कहेंगे कि ये पाबंदी सही लगी या गलत है, क्या है इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? कुछ कह ही नहीं सकते, क्या कहें। नहीं मतलब ये तो जुल्म है ना, अब ये जो हमारे यहाँ फनकार ऐसे थे जो बेचारे अपने फ़न का मुजाहरा कोई चैनल वाले घुसने नहीं देते थे लोगों को, अब वो जो बड़े बड़े फनकार उसमें फ़नी सलाहियत पेश करते थे टिकटॉकर में, वो बड़े अच्छे अच्छे आर्टिस्ट निकल कर आए जो ड्रामों में भी काम कर रहे हैं, तो उनको तो प्लेटफॉर्म बंद कर दिया, तो क्या ये दुरुस्त किया? अली भाई ये तो होगा, अब देखिए क्या होता है, ये बैड न्यूज़ तो है, बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है, क्योंकि फॉलोवर कितने थे उस हिसाब से अचानक एक चीज़ बंद हो जाती है आपकी, एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ था उस पर काम कर रहा था, अब देखें क्या होता है, एक झटका तो लगा है, अब देखें आगे। तो ये वैसे मतलब होना नहीं चाहिए था, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब जो गलत, देखिए जो गलत काम हो रहा है ना उस चीज़ को बंद किया जाए, ठीक है, पूरी ऐप को बंद कर देना तो ये तो फिर गलत। अच्छा दूसरा ये देखें, जमहूरियत का निज़ाम, जमहूरियत कहते हैं कि हमारी जमहूरियत है, तो उसमें हर किसी को आज़ादी राय का इख्तियार है, हर शख्स अपनी मतलब आज़ादी से जी सकता है, आज़ादी से बात कर सकता है, तो ये तो फिर जमहूरियत नहीं हुई ना। यही तो बात है ना कि क्या कह सकते हो, ये क्या जो हो गया आप देखें आगे क्या होता है। वैसे उम्मीद है कि अगर आप लोग क्या एहतजाज की तरफ जाएंगे, जितने टिकटॉकर हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको जाना चाहिए, बोलना चाहिए, अब देखें क्या होता है, बोल के भी अगर ऑन हो जाए तो बड़ी बात है, अब पीटीए ने अब एक्शन लिया, अब देखें क्या होता है, इसमें तो कुछ अभी कह नहीं सकते, या इसलिए ऐसा किया होगा कि जो गलत लोग थे उनको वॉश करके जो जो सही थे उनके लिए बिल्कुल हो सकता है, और ऐसा करना भी चाहिए।